हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आपको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर आकाश क्रिएटिव में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक आपको पावरफुल फ्रेंड बनाकर दिखाऊंगा, तो वीडियो का अंत तक देख सकते हैं। मैं इसको पहले से ही बना लिया हूँ, आपको जानकारी दूंगा कि कैसे इसको बनाया है। इसका जो कनेक्शन है पूरा हलवा है, और इसका जो कि कनेक्शन बहुत ही इजी है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा। देख सकते हैं ये जो मोटर है, ये 775 DC मोटर है। इसका जो कि हवा बहुत ही हाई स्पीड एंड टॉर्क वाला मोटर है। ये जो मोटर है देख सकते हैं, ये बेयरिंग वाला मोटर है, और ये जो मोटर से आपको ठंडा ठंडा हवा प्रोवाइड करेगा। देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पे अटैच करके और यहाँ पे इसको कस दिया हूँ पीवीसी पाइप से। इसको हीट करके एंगल देकर इसको मैं यहाँ पर नट बोल्ट के साथ इसको कस दिया हूँ, ठीक है। और इसका फ्रेम भी आप देख सकते हैं इसके नीचे जो कि मैं एक जो कि प्लास्टिक का एक जो ढक्कन वाला उसका ढक्कन को यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कि पीवीसी पाइप का है, यहाँ पर मुझे पड़ा है 15 रुपये या 20 रुपये में, लोकल मार्केट से मैं परचेज करके लेकर आया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक पीवीसी पाइप को कट करके गोलाकार में कट करके यहाँ पे अटैच कर दिया हूँ, जो कि हमारा जो कि ये प्लास्टिक निकलने के लिए इस यहाँ पर मैं अटैच कर दिया हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर इसका कनेक्शन भी बता देता हूँ। देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो कि दोनों वायर ले लिया हूँ, एक पॉजिटिव ये जो रेड वाला पॉजिटिव है और ये ब्लैक वाला नेगेटिव है। और यहाँ पर मोटर के एक पॉइंट पे मैं नेगेटिव साइड में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ, जो कि ब्लैक वाला वायर है दिख रहा है। और यहाँ पर हमारा जो कि नेगेटिव के लिए यहाँ पर ये जो रेड वाला वायर को यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ। और यहाँ पर एक होल करके यहाँ से मैं नीचे से इसके नीचे से हम निकाले हैं, दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर इसके नीचे से मैं इसको निकाल लिया हूँ वायर को। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपको बताया हूँ कैसे इसका कनेक्शन किया हूँ। और यहाँ पर मैं इसका स्विच भी कनेक्शन नहीं किया हूँ, इसको यहाँ पर स्विच भी कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक स्विच ले लिया हूँ, यहाँ पर मैं इसको फिटिंग कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं पहले कट कर देता हूँ, कट करने के बाद इस स्विच को यहाँ पर अटैच करके इसका कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका मैं कटिंग कर देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर मैं देख सकते हैं इसको यहाँ पर कटिंग कर दिया हूँ, और इस स्विच को यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे लगा दिया हूँ, यहाँ पर अभी इसका भी यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मोटर से होकर जो दो वायर्स आए हैं, इसके ये दोनों वायर से एक वायर को यहाँ पर मेजरमेंट करके यहाँ पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर कट कर देता हूँ, देख सकते हैं मैं एक जो प्लस वाला वायर को यहाँ पर कट कर दिया हूँ। इसको यहाँ पर छील करके यहाँ पर हमारा जो कि स्विच में हम इसको कनेक्शन कर देंगे। तो जल्दी से इसका भी हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं, ठीक। ये जो दूसरा वाला जो कि वायर था, इसको भी यहाँ पर हमारा इस स्विच के और एक पॉइंट में हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो जल्दी से इसका भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। सत्य हैं फ्रेंड्स, इसका जो कि यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है कम्प्लीटली हमारा। इसको अभी हम चेक करके भी दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है फ्रेंड्स।
देख सकते हैं यहाँ पर जो कि हमारा स्विच लग चुका है कम्प्लीटली, यहाँ पे वायरिंग हो चुका है। अभी मैं इसको यहाँ पर आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि हमारा स्विच कनेक्शन हो चुका है और ये जो वायर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो कि ब्लैक वाला वायर, ये जो माइनस का सिरा है इस ट्रांसफार्मर के इस यहाँ बीच वाले कनेक्शन पॉइंट में हम कनेक्शन कर दिए हैं। ये जो ट्रांसफार्मर का वीडियो मैं बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर देख सकते हैं। ये जो कि हाई पावर वाला ट्रांसफार्मर है, ये जो 3 एम्पीयर का, ठीक है। और यहाँ पर जो कि मैं ये पावर सप्लाई बनाया था, ये जो कि 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट में अच्छे से वर्क भी करता है। और यहाँ पर जो कि हमारा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर जो कि ब्लैक वाला है, ये जो बीच वाले पॉइंट में लग चुका है, और ये रेड वाला जो कि 12 वोल्ट लिखा है यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, और इस वाले पॉइंट में हमारा जो कि 24 वोल्ट हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लग चुका है और यहाँ पर जो कि हमारा इंडिकेटर ऑन हो चुका है, तो हमारा जो कि पावर यहाँ पे आउटपुट देगा हमारा जो कि 12 वोल्ट का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो कि स्विच को हम ऑन करके, ऑन करने के बाद हमारा जो कि ये फैन चलने लगेगा, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देख सकते हैं हमारा जो कि हाई स्पीड में घूम रहा है हमारा जो कि फैन। आपको साउंड ही सुनकर आपको पता लग गया होगा, तो मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ, आपको साउंड भी सुनाई के देगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, और नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबाकर ऑन में क्लिक करें। आगे मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पहले ही पता लग जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।